हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने 2022-23 सेशन के लिए अपना करिकुलम जो है वो जारी कर दिया है और अपने इस करिकुलम में उन्होंने पूरे ईयरली एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो लॉन्च कर दिया है। तो कौन सा सिलेबस, मतलब उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, क्या इस बार भी चैप्टर में से, या हम बात करते हैं टोटल सिलेबस में से किसी चैप्टर को एक्सक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर कोविड की वजह से टर्म वन टर्म टू एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिए हैं, और टर्म वन और टर्म टू के हिसाब से क्या इस एकेडमिक सेशन में भी टर्म वन और टर्म टू होगा क्या, तो इस पर सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि एक ही एग्जाम करवाया जाएगा और उस एक एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस हिसाब से यूनिट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होने वाले हैं, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम हमारे पूरे यूनिट की बात करते हैं कि हमारे टेंथ साइंस में कौन कौन सी यूनिट है और वो उनकी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में 5 यूनिट है। सबसे पहले हमारे पास में यूनिट आती है केमिकल सब्सटेंसेस की, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस में नेचर और बिहेवियर, मतलब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री वाला जो हमारा पोर्शन है, वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है हमारा फर्स्ट यूनिट है, वो कितने मार्क्स का दिया गया है, 25 मार्क्स का। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर, जैसा कि आप लोगों को पता है 5 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, है ना। अब उन 5 चैप्टर्स में से पांचों के पांचों चैप्टर्स को रखा गया है या किसी चैप्टर को एक्सक्लूड किया गया है, ये अभी हम देखेंगे। सेकेंड हमारे पास में जो यूनिट आती है वो आती है बायोलॉजी की, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो सेकेंड यूनिट जो हमारे पास में, दैट इज ऑफ बायोलॉजी, जो हमारे पास में कितने मार्क्स की होने वाली है, 25। थर्ड यूनिट में हम बात करने वाले हैं नेचुरल फिनोमिना की, किसकी बात करने वाले हैं, नेचुरल फिनोमिना की, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स हमें दिया गया है, दैट इज 12, मतलब इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स की, किसकी बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, और इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट वाला, ये भी फिजिक्स में इंक्लूड किया जाएगा, जिसे हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज 13। इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम मैग्नेटिक वाले चैप्टर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और लास्ट में हमारे पास में जो फिफ्थ यूनिट है वो हमारी है नेचुरल रिसोर्स की, जो कितने मार्क्स की है, 5 मार्क्स की है। तो टोटल 5 यूनिट हम लोगों के पास में है हमारे साइंस में, जो टेंथ साइंस में जो हमारा सिलेबस है उसे 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, और पांचों यूनिट के अगर आप मार्किंग स्कीम का सम करते हैं तो टोटल पेपर मार्क्स आपका आएगा 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पेपर बनने वाला है, 80 मार्क्स का पेपर बनने वाला है, जिसमें 20 इंटरनल असेसमेंट ऐड हो जाएगा, और जिसमें आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स होंगी, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा जो आपके स्कूल लेवल पर होता है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट हम लोगों ने देखी। अब इन 5 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हमारे पास में होने वाले हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मटेरियल की, थीम की, तो यूनिट वन में जब हम बात करने वाले हैं तो यूनिट वन में हमारे पास में क्या रहने वाला है, तो यूनिट वन में हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर में, जिसमें पहला चैप्टर हमारे पास में रहेगा केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन में सारे के सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, किसी भी टॉपिक को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, चाहे वो केमिकल इक्वेशन की बात करें, चाहे आप बैलेंसिंग की बात करें, चाहे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें, चाहे आप टाइप्स ऑफ सभी जो रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिसमें कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, आप चाहे कितनी भी रिएक्शंस की बात क्यों ना कर लें, सब इसमें इंक्लूड की गई है। तो पूरा का पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आपको मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस और सॉल्ट्स में हम बेसिक चीज़ें जानेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, नेचर डेली लाइफ में हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, पीएच स्केल क्या है, पीएच के इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर हमारे पास में रहेगा मेटल और नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, मतलब इस बार इस कंप्लीट चैप्टर को डाला गया है। प्रीवियस ईयर आपको पता होगा तो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर में से कुछ रिडक्शन हुआ था, लेकिन इस बार इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट डाला गया है,
तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में देनी है कि पूरा का पूरा रिपीट सिलेबस नहीं आया है पिछले साल वाला। प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर में आपको हाफ ऑफ द चैप्टर रिडक्स मतलब रिड्यूस कर दिया गया था, पर इस बार इस पूरे चैप्टर को दिया गया है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। फोर्थ चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर फोर्थ में भी कुछ रिडक्शन था, तो इस बार वाले में चैप्टर फोर्थ में कोई रिडक्शन है क्या? तो नहीं, कोई रिडक्शन खास नहीं है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स की आपको पढ़नी है, वर्सेटाइल नेचर पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ना है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, यूजेस को पढ़ना है, सोप एंड डिटर्जेंट को पढ़ना है। मतलब पूरे चैप्टर इसमें कंप्लीट दिया गया है, तो कार्बन एंड कंपाउंड जो है ये भी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। पिछले साल इसमें भी रिडक्शन था, लेकिन इस बार इसमें रिडक्शन नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ने को दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो सेकंड यूनिट आ जाती है, इसका मतलब आपका चैप्टर नंबर 5 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसे हटा दिया गया है। एनुअल एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री में जो फिफ्थ चैप्टर है जिसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये सारी टेबल्स की जो हम बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज की बात करते हैं, अगर हम मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उस चैप्टर में थी, उस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया। अब उस चैप्टर के बारे में हो सकता है इंटरनल असेसमेंट में हम बात कर लें, लेकिन जो एनुअल एग्जाम हमारा होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बायो की। सिक्स्थ चैप्टर जो हमारा है दैट इज लाइव प्रोसेस, और ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में, तो इसमें भी हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर पूरा आ रहा है, सेवेंथ चैप्टर आ रहा है। एट्थ में अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हमारा एट्थ चैप्टर है। ये भी कंप्लीट है, ये भी चैप्टर क्या आने वाला है, कंप्लीट आने वाला है। चैप्टर नंबर 9 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर भी हमारे पास में इस बार क्या है, कंप्लीट है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा गया है यहां पे थोड़ा सा आपको नोटिस करने की जरूरत है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, टॉपिक एक्सक्लूडेड। अब टॉपिक इसमें कौन कौन से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, ये चीज ध्यान रखना। यहां पे साफ साफ दिया गया है कि आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है इन सब चीजों का, सेक्स डिटर्मिनेशन और इन सब में, लेकिन इसमें किन किन टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, मतलब इन टॉपिक्स को इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बायो वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, नाइन्थ चैप्टर तक हम पहुंच गए, चैप्टर नंबर 10th में हम बात करेंगे तो दैट विल बी लाइट, और लाइट का पूरा टॉपिक कंप्लीट आ रहा है, जिसमें पावर ऑफ लेंस तक हमारा लास्ट टॉपिक होता है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। जब भी आपको लेंस और मिरर फॉर्मूला बताया जाएगा तो उसमें आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो सर डेरिवेशन करवा दो, सर डेरिवेशन एग्जाम में आता है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। और यहाँ पे सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है कि जब भी आप मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसमें डेरिवेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 की मैं बात करता हूं तो इसमें भी आप लोगों को पूरा टॉपिक दिया गया है, लेकिन एक जगह दिया गया है एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, बस इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब पूरे चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ इस एक टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे पहले क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में नहीं था, ह्यूमन आई का लेंस का स्ट्रक्चर पिछले साल नहीं था, इस बार दिया है, डिफेक्ट्स पिछली बार नहीं थे, इस बार दिए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया, दैट इज सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन का कलर है वो रेडिश क्यों होता है, उस टॉपिक को इन लोगों ने क्या किया है, एक्सक्लूड करने की बात कही। अब हम बात करते हैं चैप्टर 12 की और यूनिट 4 की, तो चैप्टर 12 हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, और
इसी में चैप्टर 13 हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, मतलब चैप्टर 12 कंप्लीट है, चैप्टर 13 कंप्लीट है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं कंप्लीट, ठीक है, तो कोई डिडक्शन नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की, तो चैप्टर 15 यहां पर आया है, इसका मतलब चैप्टर 14 और चैप्टर 16 दोनों हटा दिए गए, तो मतलब आपको चैप्टर 14, चैप्टर 16 और चैप्टर 5 ये इस साल नहीं पढ़ने हैं, ये इस साल नहीं पढ़ने, क्योंकि इन तीनों का एनुअल एग्जाम्स में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एनुअल एग्जाम्स में चैप्टर 14 से, चैप्टर 16 से और चैप्टर 5 से किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो कौन सा आएगा? चैप्टर 15 आपको लास्ट में ज़रूर पढ़ना है, पूरा टॉपिक आएगा, कोई डिडक्शन नहीं है, तो चैप्टर 15 भी आपका कंप्लीट है। तो एनुअल एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को पता चल गया, चैप्टर 1 से 4 आप लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 6 से लेके 9 आप लोगों को पढ़ना है, फिर आपको 10 से लेके 13 आपको पढ़ना है और लास्ट में 15 आपको पढ़ना है। आपको 5 नहीं पढ़ना है, 14 और 16 आपको एनुअल एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन में नहीं लेना है। ये जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं बात करता हूँ हमारे इंटरनल असेसमेंट की, तो देखिए द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनसीईआरटी चैप्टर 16 विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। हाउएवर लर्नर्स मे बी असाइन टू रीड दिस चैप्टर एंड एनकरेज टू प्रिपेयर एंड ब्रीफ राइट अप टू एनी कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इन देयर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बॉक्स, दीज हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हाउएवर द इन्फॉर्मेशन इन दीज बॉक्सेस वुड नॉट बी असेस्ड इन ईयर एंड एग्जामिनेशन। जो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है, इनमें बॉक्सेस जो बने हुए होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस जो है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि आपको कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स को आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है। जिन चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है उनके चैप्टर को, उन चैप्टर्स को आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से उनके नोट्स प्रिपेयर करके, पॉइंट्स प्रिपेयर करके अपनी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाना है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्कर्ष ऐप में 1 मई से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया है उन्हें तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे अभी तक उत्कर्ष ऐप से जुड़े नहीं हैं उन्हें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस मौके को गंवाना नहीं है, अपनी मेहनत को, अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है उसे और अच्छा करना है और बढ़िया करना है। तो जो बच्चे हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जुड़े, क्योंकि 1 मई द डेट फ्रॉम वेयर द लाइव क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मुझे वहाँ ज़रूर मिलें। जिन बच्चों ने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही डाउनलोड करें और अपने कोर्स में एनरोल ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उत्कर्ष से जुड़े रहें। थैंक यू।